तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से वीडियो स्टार्ट करूँ। काफ़ी दिनों बाद फर्स्ट टाइम मेरा फेस कैम है। अभी तो न्यूज़ चैनल्स में जब वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था तो थोड़ी सी कैमरे को फेस करने की आदत हुई। फर्स्ट फर्स्ट फेस कैम है तो थोड़ा इग्नोर करना अगर आपको अजीब लगे, क्योंकि मेरा फेस भी कुछ इतना खास नहीं है जो आप देखना पसंद करोगे। बट सिचुएशन ऐसी है, काफ़ी लोग मेरे मुंह से काफ़ी कुछ सुनना चाहते हैं। एंड इस टाइम जब अरुणाचल प्रदेश से मैं निकला, अभी तो मैं अपने घर पे हूँ मेरी मम्मी के साथ, जिनसे कि मैं मिलना चाहता था, और काफ़ी कुछ मन में है जो आप सभी के साथ शेयर करना है। थोड़ी सी बातें शेयर नहीं भी कर सकता कुछ केस वगैरह के रिलेटेड। तो काफ़ी कुछ सोचा था मैंने जब अरुणाचल प्रदेश की जेल में था। जेल से बाहर निकल के क्या क्या करना है, कैसे कैसे मतलब वीडियोस बनानी है, और काफ़ी लोग मेरे से नाराज़ थे, नाराज़ हैं अभी। कुछ लोगों ने तो सपोर्ट करना चालू किया है, कुछ लोग अभी भी नाराज़ हैं। उन सब से यही कहना चाहूँगा कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, जो भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट एक गेम की वजह से हुआ। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि गेम खेलना बिल्कुल कम कर दूँ, व्लॉगिंग करूँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें, और मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश, जो भी मेरे से मिस्टेक हुई जाने अनजाने में, नादानी में, कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। 20 से 22 दिन शायद मैं अपनी मम्मी से दूर था, अपने घर से दूर था, बट मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन स्पेशल। आज के अरुणाचल प्रदेश के जितने भी भाई बहन हैं मेरे, उनके लिए मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी है, ये मुझे वहाँ के प्रेस रिपोर्टर ने गिफ्ट की थी। वहाँ के लोग इतने अच्छे होंगे कभी नहीं सोचा था। बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। अगर मेरी मम्मी बीमार ना होते तो मैं इतनी जल्दी नहीं आता, और मम्मी को वहीं पर बुला लेता मैं। आने की बात तो दूर की थी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में रहकर वहाँ का रहन सहन, वहाँ के थोड़ी सी वीडियोस बनाता तो वहाँ के लोगों को थोड़ा अच्छा लगता। जो मैंने किया तो शायद लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाते फिर। बट समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, क्योंकि मम्मी बीमार हैं। जो कंटेंट सोचा था मैंने कि आके यहाँ पर बनाऊँगा, मेरे साथ कैसा व्यवहार किया उन्होंने, वहाँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने इतने दिन क्या किया वहाँ पर, जेल में क्या हुआ, कैसे पकड़ा मुझे, बहुत कुछ बातें हैं जो करने वाली हैं आप सभी के साथ। और अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी बीमार है, और अभी मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं वैसे कल आ गया था, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस है, उसे थोड़ा इग्नोर करना अभी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सारा सामान सीज कर दिया गया है। जिस फ़ोन से वीडियो बन रही है वो भी मैं अभी उधार लेके आया हूँ अपने फ्रेंड से, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई अभी। क्या बोलूँ, कैसे बताऊँ क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कैसे क्या हो गया, सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो मेरा सफ़र रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत प्यारे लोग मिले वहाँ पर मुझे, वहाँ के रहन सहन के बारे में बताया, खाने पीने के, मतलब वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। और अरुणाचल प्रदेश में अभी जाने का फिर से प्लान बन रहा है मेरा, वहाँ पर जाके वहाँ के लोगों के साथ रहूँगा थोड़े दिन, थोड़े दिन, थोड़े मंथ, या फिर अभी काफ़ी प्लान है मेरे। और मुझे बहुत अच्छा लगा अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ के जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो भी मेरे से मिले, जितने भी लोग मेरे से मिले, और उन्होंने मुझे यही समझाया कि मैंने क्या किया है, जो भी गेम के चक्कर में सीन हुआ वहाँ के लोगों ने समझा और मुझे माफ़ किया, सबसे अच्छी बात है। वहाँ अभी लास्ट इंटरव्यू मेरा, बहुत प्यार दिया वहाँ पर लोगों ने, और जितने भी लोग अभी मेरे से नाराज़ हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि हो सके तो मुझे एक मौका दो। और अभी ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकता, और शायद क्या पता मैं शायद यूट्यूब पे कब आऊँ वापस अभी, क्योंकि
क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, डिवाइस नहीं है मेरे पास, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास वीडियो बनाने की एक भी आइटम नहीं है जो मेरे पास थी पहले। करूँगा कुछ, जल्दी करूँगा कुछ। और मेन कारण है वीडियोस ना बनाने का, क्योंकि डिवाइस तो चलो मैं किसी ना किसी से ले लूँगा उधार या फिर कुछ भी जुगाड़ हो जाएगा, बट अभी मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी अभी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। ये वीडियो मैं अभी बनाने नहीं वाला था, बट वहाँ से काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर मेरे को बोल रहे थे वीडियोस बनाने के लिए कि वीडियो बना के बताओ कि आप पहुँच गए हो, क्योंकि वहाँ पर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। वहाँ पर सर है मेरे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मतलब मेरा जो होता है सीन वगैरह, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो जानना चाहते थे कि मैं अभी कैसा हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ या नहीं पहुँचा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में जाके मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं घर से दूर हूँ, मुझे लग रहा था मैं अपनी फैमिली के साथ ही हूँ। ऐसे लोग थे वहाँ पर, घुल मिल कर रहना, सब अपने अपने घर पे मुझे इनवाइट कर रहे थे खाने पीने पे, और वहाँ के कल्चर के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर है अरुणाचल प्रदेश, बहुत बड़ा है, इतने सारे पहाड़। जहाँ जहाँ मैं रहा, जैसे मैं घर से बाहर निकलता था, घर से बाहर निकलते 10 कदम की दूरी पे पहाड़ होते थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़। बहुत मज़ा आया, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मेरे पापा नहीं है तो घर में सिर्फ मैं हूँ, मम्मी का ख्याल रखने वाला। तो अभी मैं नई वीडियोस बनाने के उसमें हूँ, मेरे से वीडियोस बनेंगी भी नहीं। अभी ये वीडियो मैं कैसे बना रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, बट ठीक है, बुरा टाइम है, निकल जाएगा, जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्या क्या, मतलब कि वहाँ के लोगों ने मेरे साथ मुझे सिखाया, क्या क्या सिखाया, बहुत कुछ सीखे हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश से। पहले अगर मुझे 10% पता था, तो अभी मुझे 80-90% पता चल गया है। और निनोंग एरिंग सर से भी मेरी बात हुई, जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने भी मुझे बेटे का दर्जा दिया और काफ़ी कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। उन्होंने बेटे का दर्जा दिया, पोते का दर्जा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और इससे पहले मैं निनोंग एरिंग सर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, वहाँ जाके मुझे निनोंग एरिंग सर के बारे में पता चला, और वहाँ के जेलर मैडम और मेरे एडवोकेट और वहाँ के फौजी जितने हैं, बहुत प्यार मिला फौजियों की तरफ से, क्योंकि हर नाके पे फौजी होते थे जहाँ पर मेरी गाड़ी रोकी जाती थी। सब मुझे समझाते थे कि तुम बच्चे हो अभी, अभी मेरी उम्र 21-22 के आसपास है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता था। और अभी मेरी फैमिली में भी मैं और मेरी मम्मी है सिर्फ, मेरी सिस्टर है एक, उसकी शादी हो रखी है तो वो अपने घर में रहती है। पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे, 3 से 4 साल होने वाले हैं, उस टाइम से फिर मैं ही घर चला रहा हूँ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट अभी मैं वीडियो में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं लिख के वीडियोस बनाया करूँगा, ताकि मेरे से आगे फ्यूचर में कभी कोई भी गलती ना हो, और कोशिश करूँगा कि मेरे से आगे जाके ऐसी गलती या फिर कोई भी गलती ना हो, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मैंने किया है उसको जल्दी से जल्दी, मैं जितने भी लोगों का मैंने दिल दुखाया उनको दोबारा से मैं मना लूँ, और जो मैंने किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, कि मैंने कुछ ऐसा किया है जो क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। मैं खुद अपनी वीडियोस देख देख के सोचता था कि क्या है ये, क्या बोल क्या रहा हूँ मैं खुद। जब सर ने ट्वीट किया था गेम बैन को लेके, हीट ऑफ द मोमेंट, क्योंकि काफ़ी दिनों से गेम का वेट कर रहे थे हम, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जो कि नहीं बोलना चाहिए था। अब जो चीज़ मैं बोल चुका हूँ उस वर्ड को मैं वापस तो नहीं ले सकता, बट मैं उस गलती को अपने दिल से सुधारने की कोशिश करूँगा। और मुझे पंजाब के बाहर का बिल्कुल नहीं पता था, मैं कभी पंजाब से बाहर नहीं निकला,
जैसा कि आपने मेरे इंटरव्यूज़ में भी देखा होगा, जो अरुणाचल प्रदेश में दिए गए इंटरव्यू, मैंने बताया उसमें कि मैं पंजाब से बाहर बहुत कम निकलता, बहुत कम क्या, बिल्कुल भी नहीं निकला। मैं मम्मी के बिना 2 दिन भी नहीं रहा हूँ, मतलब 2 दिन। आपको क्या से बताऊँ, मैंने जेल में अपना समय कैसे निकाला। एक-एक मिनट बहुत मुश्किल से गुजरा है मेरा। बताने के लिए बहुत कुछ है, बट अभी मैं वीडियोस बनाने के उसमें नहीं हूँ। ये वाली वीडियो भी काफ़ी मुश्किल से बना रहा हूँ मैं, काफ़ी लोगों के बोलने पे। मैं क्योंकि कल ही आ गया था, वीडियो बनाना चाहता तो मैं कल ही बना के डाल सकता था, बट वहाँ के काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं जो मेरी फैमिली बन गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में मेरी बहुत बड़ी फैमिली बन गई है, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपने घर में, मैं नहीं जा पाया कोविड की वजह से। वहाँ पर इतने अच्छे लोग हैं, अपने घर में बुला के खिला पिला के। मैंने गलती की, जबकि उनके बारे में कुछ ऐसा बोल दिया, फिर भी मुझे समझा रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं। उसका तो ऐसी क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उस बारे में। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा जो मेरे साथ वहाँ पर हुआ, बट मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ, काफ़ी कुछ लिख रहा हूँ, काफ़ी कुछ मैंने लिखा भी है उसके ऊपर। मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। जाते जाते यही बोलना चाहूँगा कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था, और मैं आप सभी के भाई की तरह हूँ, बेटे की तरह हूँ। हो सके तो इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, हो सके तो अपने भाई की तरह या फिर अपने बेटे की तरह ही समझ के मुझे मेरी मेरे को एक चांस और दे दीजिए, यही बोलना चाहूँगा। और आने वाली वीडियोस में आपको सुधार भी दिखेगा। वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, तो अभी वीडियो को एंड करता हूँ। सुबह से बिजी था, अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी शायद 8 बज रहे हैं। एंड सुबह से बिजी क्यों था वो भी आपको मैं बता देता हूँ। कल रात को आया था मैं 3-4 बजे, 5 बजे के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा सोया, सोने के बाद मम्मी काफ़ी सीरियस थे तो आधा दिन लग गया। मम्मी का चेकअप वगैरह करवाया और उसके बाद दवाइयाँ वगैरह। मम्मी चल भी नहीं पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं, एक बेटा हूँ सिर्फ उनका, और वो भी इतनी दूर जेल में था, तो समझ सकते हैं मम्मी पे क्या बीतरी होगी। बाहर निकलने के बाद मम्मी के इंटरव्यू देख के काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि मम्मी बहुत रोए हैं मेरी वजह से। कोई बेटा अपनी फैमिली को इतना दुख नहीं देना चाहेगा जितना मैंने दिया है। मैं सब कुछ बोला नहीं जाएगा, वीडियो एंड करता हूँ अभी मैं।